डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास में जो साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं वो अम्ल, क्षार और लवण। हालांकि पिछले क्लास में बागीचे का पीएच मान देखे थे, बागीचे के मिट्टी का पीएच मान, और आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक्स बनाएंगे पाचन तंत्र का पीएच मान। पाचन तंत्र का पीएच मान, पीएच, ये टॉपिक्स बनाएंगे। तो आखिर पाचन तंत्र के लिए भी, जैसे हम लोग कोई भोजन खाते हैं तो उसको पचने के लिए भी हमारे पेट में अम्ल की मात्रा जो स्रावित होती है उसका भी पीएच मान फिक्स होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एरो देकर लिखते हैं, लिखा जाए। हम जानते हैं कि मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होती है जो पेट को हानि पहुंचाए बिना, जो पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है। भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है। जी हाँ, आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को कि पाचन तंत्र, हम जानते हैं, हम लोग जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जो प्रक्रम बायोलॉजी का, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी भोजन हम लोग खाते हैं एक्चुअली वो जो पचता है, क्यों? क्योंकि हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होते रहता है, उत्सर्जित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं। और हाँ, वो जो अम्ल उत्पन्न होते रहते हैं हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि हमें मदद करता है जो खाए गए भोजन को पचाने में। तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसलिए लिखे हम जानते हैं कि मानव में के पेट में HCl उत्पन्न होते रहता है जो पेट को हानि नहीं पहुंचाता है, जबकि बल्कि भोजन को पचाने में मदद करता है। चलिए उसके नीचे सेकेंड एरो देंगे, लिखा जाए जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो दर्द या जलन का अनुभव होता है। दर्द या जलन का अनुभव होता है। इससे मुक्त होने के लिए एंटेसिड का प्रयोग किया जाता है। एंटेसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं कि आखिर ये एंटासिड क्या है। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग देखें कि हमारा जो पेट है उस पेट में HCl की मात्रा, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा उत्पन्न होते रहती है। अब उतना ही मात्रा में उत्पन्न होती है जितना कि वो भोजन, जो खाया गया भोजन है उसका अच्छे से पाचन हो सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम ज़्यादातर तैलीय पदार्थ खा लेते हैं तो पेट से HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। यानी कि जब आवश्यकता से अधिक हमारे पेट में HCl की मात्रा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब हमारे पेट में दर्द और जलन महसूस होने लगता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग एंटासिड का व्यवहार करते हैं। अब एंटासिड क्या है, तो आप इसको कोई मेडिसिन बोलें या कि एक क्षारक बोलिए, क्योंकि हमारे पेट का अम्लीय मात्रा क्या हो गया,
बढ़ गया। तो जब पेट का अम्ल अम्लीय बढ़ गया, ज़्यादा अम्लीय हो गया, तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्षार का व्यवहार करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाचन तंत्र का जो पीएच में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें यही कि अगर हमारे पेट के में एचसीएल की मात्रा बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब हमारे पेट में दर्द और जलन महसूस होने लगता है, और इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एंटासिड के स्थान पर एंटासिड न लेकर आप ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम एंटासिड नहीं लेकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी हम लोगों को पेट में जो दर्द है, जलन है, उसको ठीक कर देता है, क्योंकि ज़्यादा अम्ल है ना, ये सब क्षारीय पदार्थ हैं, और क्षारीय पदार्थ का काम है कि जो अम्लीय ज़्यादा है उसको कम करना। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि MgOH का हॉल टू को। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात भी आपको जान लेना चाहिए। हालांकि इसी बात को हम लोग नेक्स्ट एरो में नोट करेंगे। लिखा जाए नेक्स्ट एरो देखकर, एंटासिड के स्थान पर, एंटासिड के स्थान पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ब्रैकेट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्रैकेट क्लोज का भी उपयोग कर सकते हैं, का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, तो पेट में जो दर्द जलन होगा इसको ठीक करने के लिए एंटासिड भी ले सकते हैं, एंटासिड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है MgOH का हॉल टू। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखा जाए, टॉपिक का नाम है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। टॉपिक बनाएंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब दांत का गिरना। ठीक है, और वो कैसे हो पाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुंह का भी पीएच मान फिक्स होता है, लेकिन जब कहीं अगर हमारे मुंह का मान, पीएच मान कम हो जाता है फिक्स वैल्यू से, तो हमारा दांत जो है गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो यह क्रिया कैसे हो पाता है, तो इसको समझने के लिए पहले फर्स्ट एरो दिया जाए। लिखेंगे हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। जी हाँ, आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि हमारा जो मुंह है सिर्फ मुंह तक ही है, बाकी हम ऑल बॉडी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे मुंह का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? तो 5.5 से 6.5 के बीच। अगर इससे कम होता है, ध्यान लीजिए 5.5 से अगर कम होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका दांत जो है टूटने लगता है, गिरने लगता है, क्योंकि हमारा जो दांत है ऊपर वाला तालू, यानी कि जीभ जब ऊपर टच करता है तो तालू होता है,
वो एनामल का बना होता है, उसको कहते हैं इनामल। ठीक है, यानी कि जो ऊपर हम तालू देखते हैं उसी तालू को कहते हैं इनेमल। और ये इनेमल जो है पूरे शरीर का कठोर भाग है, हड्डी से भी मजबूत है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हमारा मुंह का पीएच मान जैसे ही होना कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 5.5 से 6.5, लेकिन 5.5 से जैसे ही कम हो जाता है दांत जो है गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनेमल जो है कमजोर पड़ने लगता है, बहुत सारा बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और उसे नष्ट करने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अरु देंगे, लिखा जाए यदि हमारे मुंह का पीएच मान, यदि हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो 5.5 से कम हो जाता है तो 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब होता है गिरना, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि आप अभी बताएं कि 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए, जैसे ही इससे कम होता है तो हमारा दांत टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इनेमल। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, याद रखिएगा। ये एनामल कहाँ है? तो जब हम लोग च बोलते हैं ना, च त है ना, तो उसको च बोलिए तो च त थ, तो ये सब में क्या होता है, इसको बोलने में तालू का प्रयोग होता है, मतलब ऊपर वो जीभ टच करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनेमल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनेमल सबसे कठोर भाग है। और इनेमल जो है बना किससे होता है, तो याद रखिएगा इनेमल जो बना हुआ रहता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट एपेटाइट, याद रखिएगा। इनेमल जो है किसका बना होता है? तो इनेमल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। तो इसको भी लिखे लीजिएगा, इनेमल कॉमा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आरो देकर लिखेंगे, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद मुंह में खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा कि आखिर हमारा दांत जो है क्षय क्यों होने लगता है। तो जैसे मान लिया आपका मुंह है, ऊपर वाला दांत है, ये नीचे वाला दांत है, ठीक है। अब जब भी आप कोई भोजन करते हैं तो आप जानते हैं ना कि भोजन का अंश दांतों में फंसा हुआ रह जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे ही भोजन फंसा रह जाता है तो उससे मुंह का पीएच मान घट जाता है, यानी रहना चाहिए 5.5 से 6.5, लेकिन जब हम लोग कोई पदार्थ खाएं, खाना खाएं, भोजन दाल रोटी चावल है ना,
कुछ भी भोजन किए तो होता क्या है कि हमारा मुंह में कहीं ना कहीं उसका अंश सटा हुआ रह जाता है, ठीक है, क्लियर। और जब सटा हुआ रह जाता है तो इससे मुंह में क्या उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया लगने लगते हैं। आप सिंपल देखो ना, रोटी को ना, चाहे पाव रोटी को आराम से घर पे छोड़ दो 2 दिन तक, तो उसमें बहुत सारा वाइट 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 वाइट, इसको भुआ जाना बोलते हैं, उसमें कवक लग जाते हैं। नहीं तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि हम, अगर मेरा मुंह में कुछ अगर रह गया फंसा हुआ तो जो से कि नहीं खराब होगा, तो खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया लगने लगते हैं, इसके वजह से, बैक्टीरिया लगने की वजह से हम लोगों का मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, जिसके सिवाय मेरा इनेमल कमज़ोर पड़ने लगता है। इनेमल तो ऊपर वाला परत को ना कहते हैं, तो इससे इनेमल जो है, दांत सटे रहते हैं, ये छोड़ने लगते हैं, और जब दांत गिरने लगता है तो फिर उसी को हम लोग दंत क्षय के नाम से जानते हैं। तो दंत क्षय का मतलब दांतों का गिरना। अब रहा बात कि इसको रोकने का क्या उपाय है, तो इसका रोकने का उपाय यही है कि आप दंत मंजन से, टूथपेस्ट से आप दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, मुंह में कुल्ला करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हर एक टाइम खाने के बाद आप कुल्ला जरूर कीजिए, क्योंकि कुल्ला क्या होता है, जैसे मुंह में पानी भरकर और उसको बहुत सारा प्रेशर से कुल्ला करना, ठीक है, इसको बोलते हैं। ऐसा करने से जितना भी कण फंसा हुआ होगा वो बाहर आ जाता है, तो ये बातें आपको करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, साइंस का ये मानना है कि जब मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के बाद आप भोजन कीजिए, ब्रश करने के बाद, और जब शाम में सोने से पहले, जब खाना खा लेते हैं, सोने से पहले खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना है, यानी कि सोते टाइम। ऐसा होने से क्या होगा कि जब आप शाम को खाना खा लीजिएगा तो कोई भी मुंह में थोड़ा सा भी फंसा हुआ रहेगा तो साफ हो जाएगा। और सुबह भी अगर मान लिया कुछ रह भी गया, तो पहले सुबह में हम लोग क्या करेंगे, ब्रश करके तब खाएंगे, तो पहले वाला बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अच्छे से, यानी कि इसका एक ही उपाय होगा कि दंत मंजन टूथपेस्ट का उपयोग करके मुंह को सफाई करते रहना। इसीलिए हम लोग दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं कि सुबह उठ के ब्रश करना है, हालांकि साइंस बोलता है कि शाम को भी ब्रश कीजिए खाने के बाद, सोते समय, ठीक है। तो खैर, हम लोग एक टाइम भी करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे ऐड किया जाता है कि आपको ब्रश करके खाना चाहिए, है ना, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ें, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए, दंत क्षय को रोकने हेतु समयानुसार, समयानुसार मुंह की सफाई दंत मंजन से करना चाहिए। क्या लिखें कि दंत क्षय को रोकने के लिए, दांत गिरने से रोकने के लिए आपको समय समय पे, समय अनुसार क्या करना पड़ेगा, मुंह की सफाई करिएगा और दंत मंजन का यूज करके, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने का शक्ति होता है, वह एक क्षार होता है टूथपेस्ट, दंत मंजन, इससे बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्त, ये था हम लोगों का पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, वहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी प्राकृतिक स्रोत रहता है तो कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे अमरूद खाते हैं, इमली खाते हैं, टमाटर खाते हैं, तो इसमें ये सब अम्लीय है, और अम्ल का नाम होता है कि किसी खास में क्या, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।